स्वागत आपको हमारे सर्वाइवल सीरीज में जो हमने पिछली बार एंड कर दी थी। हम एक विलेज में पहुंच गए थे। ये देखो ये रहा हमारा विलेज। और इस वीडियो में हम करेंगे इस विलेज को रेड और देखते हैं चेस्ट वगैरह में क्या अच्छी लूट मिलते हैं। सामने मुझको एक ब्लैक सूट भी दिख रहा है। देखते चलो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। इस घर में तो कुछ नहीं होगा पक्का। एक बार फिर भी देख लेते हैं। हाँ बेड ही है यहाँ पर, एक बेड ही है। तो चलो यहाँ पर देखते हैं फटाफट जाके इस घर में क्या है। एक ब्रूइंग स्टैंड तो हमको ये चाहिए होगा। तो ये हमारे हमको आगे जरूरत पड़ सकती है तो एक बार लेके रख लेते अपनी इन्वेंट्री में। ठीक है ये हमने ले लिया ब्रूइंग स्टैंड। और उसके बाद चलते हैं यहाँ पर थोड़े बहुत जानवर हैं, अगर कभी फूड की कमी पड़ी तो यहाँ से ले लेंगे। और ये अरे थोड़े से यहाँ पर हे बेल भी चुरा लेते हैं फूड के लिए, फूड की जरूरत होगी। और हाँ यहाँ के आयरन गोलम नहीं मारेंगे हम, वरना ना बाद में फिर ये विलेजर वगैरह ना खुद मर जाएंगे। बाद में हमको विलेजर ट्रांसपोर्ट करने पड़ेंगे बोट से, जो कि बहुत मुश्किल काम है। वैसे एक दो बार मैंने किया हुआ है पहले भी, तो मुझे पता है ये बहुत मुश्किल काम होता है भाई। ब्लैक स्मिथ को एंड में करेंगे, पहले बाकी घर देख लेते हैं। ये अरे इसका घर क्या पानी भाई, ये विलेजर तो छलांग मारते हैं, ये फिर कैसे करता होगा, उतरता कैसे होगा अपने घर से। यहाँ पर क्राफ्टिंग टेबल, बैरल बैरल उठा लेते हैं, स्टोरेज के लिए काम आएगा। ये ले ली बैरल, ब्लैक स्मिथ नहीं लूटेंगे अभी। और इसमें पहले सो जाते हैं, रात हो गई फिर चेस्ट लूटते हैं। चलो ये हो गई सुबह। ये बेड में आलू है, थोड़े से सैपलिंग है, सैपलिंग का तो क्या ही करना है, हम इसको उगा देते हैं। बाहर कभी वुड के लिए जरूरत होगी तो हमारी सैपलिंग से हमारे पेड़ से ले लेंगे वुड वगैरह। और यहाँ पर थोड़ा सा और हेबल है, निकाल के रख लेते हैं। आपको क्या लगता है ब्लैक स्मिथ के घर में क्या होगा? काश एक दो डायमंड हो, एक नहीं तीन डायमंड हो, मजा आएगा। एक तीन डायमंड होंगे तो वैसे हम डायमंड का पहले, यार देखो जो डायमंड की पिकेक्स है उसका काम क्या है, सिर्फ हमको थोड़ा सा मतलब फास्ट कर देगी हमारी माइनिंग। पर अभी हमको फास्ट नहीं चाहिए, अभी हमको प्रोटेक्शन चाहिए, हमारी प्रोटेक्शन चाहिए। या तो फिर मैं टूल्स बनाऊंगा, स्वॉर्ड वगैरह, ठीक है स्वॉर्ड बनाऊंगा, या तो फिर हम अपने आर्मर पर काम करेंगे, है ना। तो इसमें देखते हैं क्या है, इसके स्टोन कटर, हाँ चलो स्टोन कटर भी ले लेते हैं इसका। ये थोड़े बहुत ब्लॉक्स बचाने में हमारा काम करता है। माइनक्राफ्ट क्राफ्टिंग टेबल हमारा हमारे साथ स्कैम करता है पर ये नहीं करता। चलो घड़ी आ गई, देखते हैं इसके अंदर क्या है, काश कि कुछ अच्छा हो। अरे चलो कोई बात नहीं, ये हमको आयरन की लैगिंग मिल गई, सैडल मिल गया, सैपलिंग मिल गई। अरे यार डायमंड दे देते तो यार, मैंने मेरे बहुत सारे क्रिएटिव वर्ल्ड में मुझको डायमंड हमेशा मिलते हैं इसमें से। चलो लैगिंग्स तो पहन लेते अपना। 6 आयरन है ना, 6 आयरन से हम बनाए। पहले तो वाटर लो, इसके घर से ले लेते हैं। ये वाटर ले लिया हम, इसका 2 आयरन और करके चेस्ट प्लेट बनाएंगे, आयरन का आर्मर फुल कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो और तो कुछ नहीं है इस विलेज में। हाँ तो चलो फटाफट पहले अपने एक घर चूज कर लेते हैं, ब्लैक स्मिथ वाला घर अपना घर बना लेते हैं, क्योंकि उसके घर में थोड़े से स्पेस ज़्यादा है। बाद में थोड़ी देर एक आधे एपिसोड में हम अपना घर भी बनाएंगे। पहले टेम्परेरी घर हमारा ब्लैक स्मिथ का हो गया, इसमें थोड़ी बहुत रेनोवेशन भी कर देंगे हम। जैसे अभी रुको, जैसे ये स्पेस घेर रही है, इसको तोड़ो, इसको तोड़ दिया, इसको भी तोड़ सकते हैं, इसको तोड़ दिया। यहाँ पर बेड लगाएंगे, यहाँ पर रिस्पॉन पॉइंट सेट। और हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी यहाँ पर चेस्ट रखेंगे, अपनी ये रखी चेस्ट, इसमें हम अपना सारा सामान डालेंगे जो अब फिर अब आयरन की खोज में चले, है ना, वही रह गया और क्या काम है। तो हम थोड़ा सा पहले फूड निकाल लेते हैं, जैसे ये रही हेबे, इसका क्राफ्टिंग टेबल हम फर्श में लगा देते हैं, इतनी स्पेस है नहीं ना इसके घर में। तो थोड़ी सी बना लेते ब्रेड, ये बन गई हमारी 18 ब्रेड बन गई, दो चेस्ट में पड़ी है, 20 ब्रेड हो गई। केबल इसके अंदर रखो, वाटर बकेट यहाँ पर रखो, थोड़ी सी वुड ले लेते हैं साथ में, बाद में उसकी ज़रूरत पड़ती है वुड की बहुत ज़्यादा। और अब हम करते हैं माइनिंग पर चलते हैं थोड़ा सा। और ओ हाँ सच, बाद में ना ये गायब हो जाते हैं, मुझको पता है बहुत बार हुआ पड़ा है हमारे साथ पिछले सर्वाइवल वर्ल्ड में। एक आधा विलेजर इस विलेज में, यार विलेजर कम है,
ना, लग रहा है। चलो देखते हैं, यहाँ पर तो नहीं है विलेजर कोई। अरे घोड़ा, घोड़े को, अरे पहले इसका काम करते हैं, तू तो थोड़ा सा इधर कोने में लग। हाँ अरे थोड़ा सकते हैं, हम घोड़े का सैडल वगैरह लेके आते हैं, इसको इसको पहना देंगे, हमारा क्या पता। देखते हैं घोड़ा फास्ट है कि नहीं। ये बन गया है, हाँ ये दोनों चीजें हो गई। चलो कहाँ पर गया घोड़ा, वो रहा, पहले फूड खा लेते हैं। तो ये बैठ गई घोड़े पर, ये एक बार में पट गया। चलो अरे पटा के नहीं पटा, सॉरी पट जा भाई, टाइम मत वेस्ट कर मेरा, इतना टाइम है नहीं। अब बैठाना, ये कुछ ज्यादा ड्रामे कर रहा है भाई, इतने ड्रामे। अरे भाई ये कुछ ज्यादा ही हो गया, सच में ज्यादा हो गया। ओ भाई सॉरी 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 भैया जी, इसको ये वीट खाते ना भाई, खवा दूंगा तुझको, वीट है इन्वेंटरी में। अरे भाई पट जा, क्या कर रहा है तू। हाँ शुक्र है हो गया, इसका काम हो गया ठीक है, ज्यादा कोई मतलब। चलो हमारी वॉकिंग से तो फास्ट ही है ना। हाँ चलो ठीक है, हमारे पास लीश तो है नहीं, तो इसके लिए खड्डा ही बनाना पड़ेगा एक, अपने घर के साइड में बना देते हैं यहाँ पर। ये हो गया, ये चलो चल भैया। अरे भाई उतरते कैसे थे इसके ऊपर से। हाँ ठीक है, तो चलो भाई मैं तो चलता हूँ यहाँ से, तू बैठा रह यहाँ पर ठीक है। और हमको अभी एक और विलेजर चाहिए भाई, अपने चंगुल में एक और विलेजर ढूंढो। उसके लिए थोड़ी सी डर्ट ले लेते कैप्चर करने को। डर्ट निकालो डर्ट निकालो, इतनी डर्ट काफी रहेगी। अब एक विलेजर ढूंढते हैं फटाफट। अरे अभी तो देखा था स्टार्टिंग में, यही कहीं तो था। ओ भाई हेलो विलेजर भाई, अगर वोरा 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 वो भाग रहा। अरे रुक, शुक्र है भाई दो विलेजर है, मुझे तो लगा सिर्फ एक ही विलेजर है पूरे विलेज। भाई रुक, हेलो हेलो रुक, ऐसा मत कर। रुक रुक रुक, थोड़ा सा हाँ यहाँ पर खड़ जा, तू मेरे साथ बातें करता है। अरे अरे यार इसकी ऐसी कैसी, इस ब्लॉक को तोड़ो, कहाँ पर भाग गया वोरा। और रुक रे, इसको फिट लग गई ना, बोलो कुछ मत निकाल देगा भाई मेरा। ओ भाई रुक जा, भूख लगे, रुक जा कहीं पर रुक। शुक्र है थोड़ा सा रुका, थोड़ा सा वहाँ करो ये। हाँ बातें करो बातें, देख रहा है मेरी तरफ, देख रहा है तो गई कैप्चर। चलो चलो चलो, गोली बता दी नहीं। चलो दो विलेजर हो गए कैप्चर, विलेजर की भी हो गई समस्या दूर। अब हम चलते हैं माइनिंग पर। अरे लावा बकेट से भाई हमारा फ्यूल बन जाएगा है ना। एक बार पानी को किरा यहाँ पर रखते हैं, और ये लावा उठाया। अरे भाई पर इसके लिए तो एक पूरी बकेट रखनी पड़ेगी ना, इतना भी हमारे पास आयरन है नहीं। तो आयरन कौन से लेवल पर मिलते हैं, मैं एक बार देख के आया। वन तो चलो माइनिंग पर चलते हैं, नीचे को डायरेक्ट माइन कर रहा हूँ, देखा जाएगा। चलो कॉपर मिल गया हमको, कॉपर तो क्या ही है, जहाँ से जाओ स्पाइन ग्लास वगैरह ज्यादा तो काम हो तो कॉपर का, वैसे ही ऐड कर रखा है इसको तो। स्पाइन ग्लास और किसी रेसिपी से बनवा देते माइनक्राफ्ट वाले, मतलब और कुछ लग जाता जैसे आयरन वगैरह से बना देते, ये पता नहीं क्यों फालतू ऐड कर रखा है, या तो क्या पता कुछ आगे जाके कुछ हो रहा है इसके साथ। तो चलो Y16 पर तो आ गए हम, तो इसके आगे की माइनिंग हम पिछले अगले एपिसोड में शुरू करेंगे। तो बाय बाय।